हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद फर्न। और आज हम लोग यहाँ पे कुछ ज्योग्राफी के सीज और ओशंस लर्न करेंगे, और वो भी हम लोग करेंगे शॉर्टकट के तरीके से, ताकि ये आप कभी भी भूलें ना और ये हमेशा आपको याद रहे। ये आपके काफ़ी यूपीएससी, एसएससी और काफ़ी रेलवे और जो भी पेपर होते हैं उनमें काफ़ी ये शॉर्ट ट्रिक्स पूछी जाती हैं, और इनसे आपके काफ़ी ज़्यादा पेपर सॉल्व हो जाएंगे। आपका CDSE, FCAT और जितने भी गवर्नमेंट पेपर होते हैं सब में आपका ये हेल्पफुल रहेगा और आपको याद रहेगा अगर आप एक बार इन ट्रिक्स को देख लें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट ट्रिक, दैट इज तारिक। जो हमारी फर्स्ट ट्रिक है वो है तारिक। तो ये हमारा कौन सा सी है, ये आप लोगों ने देखा होगा। तो ये है हमारा सबसे पहला कैस्पियन सी। ठीक है, इसको लर्न करने के लिए मैंने एक शॉर्टकट बनाया है, तारिक, TARIK। टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अज़रबैजान, आर फॉर रशिया, फिर आई फॉर ईरान एंड के फॉर कजाकिस्तान। तो ये आपकी शॉर्टकट ट्रिक है तारिक, इससे आपको याद रहेगा कैस्पियन सी के बारे में। ठीक है, कैस्पियन सी यानी कि तारिक, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। ठीक है, ये रही पहली ट्रिक किसके लिए, कैस्पियन सी के लिए। ये याद रखिएगा कैस्पियन सी के लिए। ठीक है, जो नेक्स्ट ट्रिक है हमारी वो है ब्लैक सी के लिए। ठीक है, मार्कर मैं अपना चेंज कर लेता हूँ। दूसरी जो ट्रिक है, ये सारी ट्रिक्स मैंने खुद ही बनाई है ताकि आपको इजीली याद हो जाए। तो ये जो दूसरी ट्रिक है ये आपको एक बहुत फेमस ब्रांड से याद रहेगा, ट्यूबर्ग से। कौन सी, ब्लैक सी। आप इसको भूलोगे नहीं, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आप ट्यूबर्ग को तो भूलोगे नहीं, और ये ब्लैक सी के लिए है। ठीक है, ब्लैक में चीज़ें भेजी आती हैं, तो फिर इतना तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि ये ट्रिक इसके लिए काम आएगी। तो टी फॉर फर्स्ट इज टर्की, नेक्स्ट यू फॉर यूक्रेन, बी फॉर बल्गेरिया, आर फॉर रोमेनिया, देन अगेन आर फॉर रशिया और जी फॉर जॉर्जिया। तो ये ब्लैक सी के अराउंड जो कंट्रीज हैं ये आपको ट्यूबर्ग से याद रहेंगी, या भूलोगे नहीं। ठीक है, टी फॉर टर्की, यू फॉर यूक्रेन, बी फॉर बल्गेरिया, आर फॉर रोमानिया, आर फॉर रशिया, जी फॉर जॉर्जिया। सो ये ब्लैक सी के लिए है ट्यूबर्ग। नेक्स्ट जो ट्रिक है हमारी वो है, ये तो हमारी हो चुकी थी, फिर इसके बाद हमारी जो ट्रिक आती है वो है हमारी रेड सी के लिए। रेड सी के लिए मैंने जो तैयार किया है वो मैंने तैयार किया है, या फिर आपको इसको ऐसे याद कर लो, सीड वाई एस। ठीक है, सीड यस, ई बस हटाना है, सीड वाई एस याद कर लो, या फिर डेजी याद कर लो, DESSEY, डेजी, या फिर सीड्स, SEED, एस होता है, सीड्स होता है, बीच में उस वाई लगाना है, सीड्स हो गया। ठीक है, तो पहली जो कंट्री है वो है सूडान, फिर एरिट्रिया, ढूंढी सूडान का है, गेरा सूडान, फिर है एरिट्रिया, गेरा एरिट्रिया, फिर है इजिप्ट, इजिप्ट ढूंढी का है, गेरा इजिप्ट, फिर है दिजिबाउती, और ये है आपका इधर। ठीक है, ये सारे रेड सी के अराउंड है, ये रेड सी है हमारा। फिर इसके बाद यमन, यमन का है, यमन ढूंढिए, यमन है हमारा इधर कहीं लाइक करता है यमन। ठीक है, एक यमन हो गया, देन लास्ट हमारा सऊदी अरेबिया जो कि बहुत बड़ा है, ये रहा यमन और ये रहा सऊदी अरेबिया। तो ये जो सिक्स कंट्रीज हैं जो इसके अराउंड हैं ये आप ऐसे याद कर लोगे। ठीक है, रेड सी का कौन सा, सीड वाई एस या फिर डेजी, इससे आपको याद हो जाएगा। देन नेक्स्ट आते हैं
रेड सी भी हो गया आपका। रेड के बाद अब आता है आपका बाल्टिक सी। बाल्टिक सी की कंट्रीज ज़्यादा हैं तो इनके लिए भी मैंने एक अलग ट्रिक तैयार करी है, आपको शायद ये याद हो जाए। तो जो बाल्टिक सी है इसके लिए मैंने तैयार किया है सेल योर PF एंड GDR। GDR को आप GDP से याद कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। GDP से GDR, बस P और R को रिप्लेस करना है। तो GDR और PF, PF को प्रोविडेंट फंड कर लो, ठीक है, सेल योर प्रोविडेंट फंड एंड GDR। तो इससे आप याद रखो, S से स्वीडन, E से एस्टोनिया, L से लिथुनिया, फिर लैटविया, फिर पोलैंड, फिर फिनलैंड, देन जर्मनी, डेनमार्क एंड रशिया। जर्मनी, डेनमार्क एंड रशिया, ठीक है। P से पोलैंड, F से फिनलैंड, L से लेटविया और लिथुनिया, E से एस्टोनिया और S से स्वीडन। इससे आप याद रखोगे, ठीक है। ये हमारी होगी बाल्टिक सी के लिए होगी ये ट्रिक। देन नेक्स्ट जो ट्रिक है हमारी वो है इजी इजी पीजी, बहुत इजी है। तो आपको ऐसे याद रहेगा, डेड सी के लिए GI, डेड सी है वो GI, इसराइल और जॉर्डन। IJ कर लो या फिर GI कर लो, ये सबसे इजी वाला है, ठीक है। इसमें तो मुझे नहीं लग रहा आपको कुछ ज़रूरत है, आपको ऐसे याद हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमारा आता है एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी के लिए हमने जो तैयार किया है वो है ISC MBA। ISC जिसे आप देखते होगे, ISC को आप ऐसे याद कर लो कि किसी का ट्रेडमार्क है ISC, ठीक है। जैसे हाँ ऐसे याद कर लो आप, ISC किसी का ट्रेडमार्क है और MBA, ठीक है। अब MBA, ISC, I से इटली, जरा इटली, S से स्लोवेनिया, C से क्रोशिया, फिर मॉन्टेग्नोरो, ये इधर है, फिर बॉस्निया, ये रहा बॉस्निया आपका, एंड लास्ट अल्बेनिया। तो ये एड्रियाटिक सी के अराउंड के सारी कंट्रीज हैं। आप ISC MBA से याद कर लो, या फिर मैंने एक चीज़ और ये तैयार करी है, एक लाइन, इंडियसली स्केरी कॉकरोच बिट माई आंट, या तो आप ये लाइन याद कर लो। इससे आपको एड्रियाटिक सी याद रहेगा कि एड्रियाटिक सी के अराउंड क्या हुआ था, कि इंडियसली स्केरी कॉकरोच बिट माई आंट। I से इटली, S से स्लोवेनिया, C से क्रोशिया, H से मॉन्टेग्नेरो, फिर B से बॉस्निया, M से, ये वाला M छोड़ दीजिए, फिर A से अल्बेनिया, ठीक है। ये ट्रिक है इसके लिए। फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, लास्ट में हम लोग आ गए हैं। ये कौन सा हमारा है, जो लास्ट वाला हमारा है वो है RLC के लिए, गेरा RLC, ठीक है, दिख गया होगा आपको। RLC के लिए सिंपल है, KU, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ये किसके लिए, RLC के लिए। RLC का आपको याद हो जाएगा। तो गाइस ये अभी हमारी सारी ट्रिक्स हो गई, सारी सीज के लिए हो गई, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। एक दो बार रिवाइज कर लेना, वीडियो देख लेना, अपने दोस्तों से भी अगर आप चाहते हो कि वो आगे बढ़े तो उनके साथ भी शेयर करो, ठीक है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अरे यार लाइक्स तो थोड़े बढ़ाओ, लाइक्स नहीं बढ़ रहे हैं, प्लीज़ लाइक भी करो, ठीक है। तो आज मैंने आपको शॉर्टकट्स बता दिए। अब जो नेक्स्ट भी चैप्टर्स हैं, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी के लिए भी मैं ट्रिक्स लाऊंगा, एक ऑलरेडी मैंने डाल दी है वीडियो, देख लेना आपको। और ये जो सीज, ओशियंस और जो बाकी माउंटेन्स हैं इनके लिए भी मैं कुछ ना कुछ ट्रिक लाऊंगा जरूर, ठीक है। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।